दरअसल एकता कपूर की वेब सीरीज ट्रिपल एक्स टू का अब पूरी तरह से विरोध शुरू हो गया है। बागपत कोतवाली में एकता कपूर के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। ये मुकदमा एक भाजपा नेता ने बागपत कोतवाली में दर्ज कराया है। पुलिस ने तहरीर लेकर आधा दर्जन से अधिक धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है। बागपत में भाजपा नेता पिछड़ा वर्ग मोर्चा प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य संजय प्रजापति ने वेब सीरीज ट्रिपल एक्स टू की निर्माता एकता कपूर पुत्री जितेंद्र कुमार के खिलाफ कोतवाली में तहरीर देते हुए गंभीर आरोप लगाए हैं। आरोप है कि एकता कपूर ने भारतीय सैनिकों और उनके परिवारों को अपमानित किया है। कहा गया है कि एकता कपूर ने अपनी वेब सीरीज ट्रिपल एक्स टू में सैनिकों की पत्नियों को दिखाया है कि वो किसी और के साथ संबंध बना रही हैं। जो दृश्य वीडियो में दिखाए गए हैं बहुत ही आपत्तिजनक है और ये हमारे सैनिकों का मनोबल गिरा सकता है, जिसका विरोध भी सैनिकों द्वारा किया जा रहा है। FIR कराने वाले शख्स का कहना है कि ट्रिपल एक्स टू में ऐसे दृश्य भी हैं जहां अशोक की मूर्ति और ताज के प्रतीक वाले सैन्य पुरुषों की वर्दी फाड़ दी जाती है। ये हमारे सैन्य बलों और सैन्य कर्मियों का अपमान है जो सहन नहीं किया जाएगा। उनके द्वारा जानबूझकर किए गए इस घृणित कार्य से देशभक्त लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं, जिससे देश में लोक शांति भंग होने की आशंका है। इसलिए एकता कपूर के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। पुलिस ने भाजपा नेता संजय प्रजापति की तहरीर पर बागपत कोतवाली में धारा 140, 294, 500, 502, 504, 505 66/67 में मुकदमा दर्ज कर लिया है। अपनी वेब सीरीज बनाई ट्रिपल एक्स के उससे, और उसमें हमारे देश के जो फौजी जो अपनी जान निछावर करने के लिए बॉर्डर पे हमेशा रहते हैं, उनके परिवार हर चीज को सहन करते हुए उनके घर को उनका इंतजार करते हैं। उनकी पत्नियों के प्रति चरित्रहीनता दिखाई गई है जो कि बहुत निंदनीय है, और एक देश के जो फौजी हैं उनका मनोबल डाउन करने का एक षड्यंत्र है जो गलत है, और मैं इसकी घोर निंदा करते हुए मेरे जो आहत मुझे खुद आहत हुआ तो मैंने उसकी जो है मुकदमा दर्ज कराया।